हेलो स्टूडेंट्स, सेट थ्योरी पार्ट थ्री लेकर आपको आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आपका इस नव भारतीय स्टडी सर्किट में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन। क्लास इलेवंथ में मैथमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर सेट थ्योरी को हमने प्रारंभ कर दिया था। सेट थ्योरी के पार्ट वन के अंतर्गत हमने सेट किसे कहते हैं, वो किस प्रकार से लिखते हैं रोस्टर मेथड से और सेट बिल्डर मेथड से उनको लिखने का तरकीब हमने सेट थ्योरी पार्ट वन में हमने सीखा था। जिन्होंने नहीं देखा है वो लोग जाके देख सकते हैं। रिक्त समुच्चय, परिमित और अपरिमित समुच्चय और इक्वल सेट, समान समुच्चय कैसे निकालते हैं, क्या होते हैं, इन्हें भी हमने सेट थ्योरी पार्ट वन के अंदर जान लिया था। सेट थ्योरी पार्ट टू के अंदर हमने सबसेट उप समुच्चय निकालने सीखे थे। अंतराल, सबसेट का जो अंतराल है उसे कैसे लिखते हैं ये हमने जाना था। पावर सेट, घात समुच्चय क्या होता है, घात समुच्चय कैसे बनाते हैं ये हमने देखा था। यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय किसे कहते हैं और सार्वत्रिक समुच्चय किस प्रकार से उनको पहचानते, किस प्रकार से ये हमने जाना था। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, एक समुच्चय का पूरक समुच्चय क्या होता है और पूरक समुच्चय किस प्रकार से बनाते हैं, किस प्रकार से फाइंड करते हैं, ये भी हमने जाना। अभी हम मैं आपके सामने लेके प्रस्तुत हूं क्लास 11 में सेट थ्योरी का पार्ट थ्री, आज जो हम करने वाले हैं। इसके अंतर्गत मैं जो लैंग्वेज यूज करूंगा बाई लैंग्वेज होगी, हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी इसको समझ पाएंगे बड़ी अच्छी प्रकार से और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी इसको अच्छी प्रकार से समझ पाएंगे। दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट को कोई समस्या आने वाली है नहीं। सेट थ्योरी पार्ट थ्री के अंदर हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम, हिंदी में भी इसको वेन डायग्राम ही बोलेंगे। ऑपरेशंस ऑफ सेट, सेट्स की क्रियाएं। यूनियन ऑफ सेट्स, संघ समुच्चय। कैसे निकालते हैं, इंटरसेक्शन, उभयनिष्ठ समुच्चय, ये निकालना सीखेंगे हम। और डिफरेंस ऑफ सेट्स, उनका अंतर, दो समुच्चयों का अंतर कैसे निकालते हैं ये हम सीखेंगे। तो हम इस सेट थ्योरी पार्ट थ्री में ये सब चीजें जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेन डायग्राम को समझते हैं। वेन डायग्राम को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक आयत होता है इस प्रकार से, रेक्टेंगल होगा, उस रेक्टेंगल को बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय। यहां पे जो सार्वत्रिक समुच्चय दे रखा है उसमें 1, 2, 4, 6, 8, 10, 3, 5, 7, 9 ये हैं, मतलब 1 से लेकर 10 तक के सदस्य हैं यूनिवर्सल सेट में। अब इसमें एक सेट है ए, उसको हमेशा सर्किल के रूप में दिखाते हैं, यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल के रूप में, और जितने भी अंदर सेट होते हैं उन्हें हम सर्किल के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए है, इसमें ए में है 2, 4, 6, 8 और 10, इस प्रकार से हम प्रदर्शित करते हैं। आगे हम वेन डायग्राम में और देखेंगे कि हम इनको जो सेट्स हैं सर्किल के रूप में करते हैं, इनका यूनियन होता है तो कैसे निकालते हैं, इनमें कुछ कॉमन होते हैं एलिमेंट्स को कैसे बताते हैं, ये सब आगे हम देखते जाएंगे धीरे धीरे। ऑपरेशंस ऑन सेट, पहले है यूनियन ऑफ सेट्स, संघ समुच्चय का संघ, इन दोनों का हमें यूनियन लेना है। बहुत सिंपल है, यूनियन लेने का तरीका बहुत सिंपल है, ए यूनियन बी, दोनों को मिला के लिख दो, दोनों के सदस्य हैं उनको लिख दो, सबको लिख दो, ए के भी लिख दो पूरे और बी के भी लिख दो पूरे। ए के लिखेंगे 2, 4, 6, 8, अब ध्यान देना बी के भी सारे लिख दो, बी के लिखोगे सारे 6, 8, 10, 12, यहां एक गलती कर दी है मैंने, ये एक समुच्चय है क्या, आप बोलोगे समुच्चय तो नहीं है, 6, 8, 6, 8, ये दो दो बार आ गए हैं, दो बार नहीं आने चाहिए, तो एक बार आप मिटा दीजिए, ठीक है। अब जो रह गया वो आपका हो गया ए यूनियन बी, सिंपल है। दो सेट का यदि यूनियन लेना है, तीन सेट का यदि यूनियन लेना है,
उनके सारे सदस्यों को उसमें लिख देंगे, लेकिन कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, राइट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट, उभयनिष्ठ निकालना, इंटरसेक्शन दोनों में जो कॉमन है, कॉमन इंटरसेक्शन ये लेना, कॉमन उभयनिष्ठ, जो सदस्य हैं वो उभयनिष्ठ इन दोनों में, वो ए एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन, या एक्स वाई नहीं होती, ए इंटरसेक्शन बी निकालना, ए इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन का साइन है, यूनियन का साइन यू था, इंटरसेक्शन साइन उल्टा यू है। देखिए कॉमन क्या है, सिक्स टू इधर है उधर नहीं है, फोर इधर है उधर नहीं, सिक्स और एट इधर भी है और इधर भी कॉमन है, तो सिक्स और एट आएगा, राइट। ध्यान देना यूनियन में जो कॉमन थे वो एक बार आएंगे, इसमें जो कॉमन है वही आएंगे, राइट। वेन आरेख के द्वारा, वेन आरेख हमने देखा था ना, वेन डायग्राम, ए यूनियन बी, कैसे ए बी में जितने भी थे सब आ जाएंगे, है ना, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला सेक्शन जो कॉमन था वो आ जाएगा, ये दोनों बातें समझ में आ गई आपके। यहां बी इंटरसेक्शन सी, बी यूनियन सी, बी और सी, ए को नहीं चाहते, इसके बी के पूरे और सी के पूरे, ये बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का कॉमन, सी से मतलब नहीं है, सी को थोड़ी देर के भूल जाओ, यहां बी और सी का तो यूनियन लेना था पहले, बी का और सी का यूनियन, और ए के साथ में जो उसके कॉमन थे बस वही लेने थे, तो ए इसके और ए के साथ में जो कॉमन है वही लेंगे, तो ये आ जाएगा, ये जो छाइन के बारे में ये बता, यहां ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी के इंटरसेक्शन, यहां ए बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन लेना, फिर एक इंटरसेक्शन करना, ये इसका तो ठीक है। तो इस प्रकार से आप इनको वेन डायग्राम के रूप में भी लिख सकते हैं। चलिए डिफरेंस ऑफ सेट्स, समुच्चय का अंतर, एक समुच्चय दे रखा है, एक और समुच्चय दे रखा है, ए माइनस बी निकालना, ए माइनस बी, ए में से बी को घटा दो, जो बी में है वो मत लिखो और ए में जो है वो लिख लो, ये बी में क्या है, टू है, फोर है, सिक्स है, बस बाकी जो है वो ए में है, वन थ्री फाइव, ये ए माइनस बी हो गया, सिंपल। बी माइनस ए लेना हो तो बी में जो सदस्य हैं उनमें से ए में जो थे वो घटा दो, ये टू है, यहां टू है, फोर है, ये फोर, ये सिक्स घटा दो, बाकी जो बच गया बी में वो ले दो, राइट। ये बी माइनस, क्या ए माइनस बी बी माइनस ए के इक्वल है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। यहां देखते हैं, ये ए माइनस बी, ए लिया बी लिया, बी को हटा दिया, ए माइनस बी आ गया, हम बी माइनस ए लेते हो, ये यू, एक सर्किल बनाया, दो सर्किल बनाया, ये ए है, ये बी है, मैं ले रहा हूं बी माइनस ए, बी में से ए को हटा दिया, तो ए को हटा दिया बी में से, तो बच गया होगा, यह हो गया आपका बी माइनस ए, राइट। तो किसी भी समुच्चय को लिखना वेन डायग्राम में लिख सकते हैं, उनकी जो ऑपरेशंस हैं उन्हें वेन डायग्राम में किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं वो भी आप कर सकते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, ये एक्सरसाइज है, इसकी क्वेश्चन कर सकते हैं हम, आपका अभ्यास। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। यूनियन है एक्स
यूनियन वाई, इन दोनों का जोड़ देंगे। क्या बताया था, पहले एक्स के सारे लिख लो, फिर वाई के सारे लिख लो जो नहीं आए। वन तो आ गया, टू नहीं आया, थ्री भी आ गया, ये आपका आंसर राइट। फोर्थ क्वेश्चन करना हो तो ये आपको दे रखा है सेट बिल्डर फॉर्म में, इन्हें आप पहले रोस्टर फॉर्म में लिख लीजिए। क्या लिखना है, x इज ए नेचुरल नंबर, x वन से तो बड़ा होगा और सिक्स के बराबर होगा छोटा होगा, वन से तो बड़ा होगा तो वन नहीं होगा, टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये रोस्टर फॉर्म में हो गया। बी भी लिखेंगे, ऐसे नेचुरल नंबर है ये, x है जो छह से वो बड़ा है, सेवन एट नाइन और दस से छोटा है, इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों तरफ से ओपन है, वो दोनों तरफ से क्लोज था। अब a यूनियन b लेना है आपको, a के सारे लिख लो, टू थ्री फोर फाइव सिक्स, b के वो लिखो जो a में नहीं आए, सेवन एट नाइन, या a ऐसे करना, ठीक है। ये भी आप कर लेंगे, ये भी आप कर लेंगे। फोर्थ क्वेश्चन, ये दोनों उसके अंदर इसे करना है ना, ठीक है। ए ये वाला देखते हैं, ए एंड बी आर टू सेट्स सच एज, सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी, देन व्हाट इज ए यूनियन बी। ये बोल रहा है ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है, और फिर बोला है कि ए यूनियन बी क्या होगा। ए बी का सबसेट है, बी का सबसेट ए है, बी पेरेंट पेरेंट सेट है ना, बी पेरेंट सेट है, वन टू थ्री ऐसे होगा। ए इसका सबसेट है, ए कुछ भी हो सकता है, वन हो सकता है, टू हो सकता है, थ्री हो सकता है, तीनों भी हो सकते हैं, थ्री से ऊंचे हो सकता है, इसका छोटा ही है, जो भी एलिमेंट होंगे वो बी में तो है ही। तो जब हम इसका यूनियन लेंगे तो यूनियन हमेशा बी आएगा, ये आपका आंसर राइट। इससे दिमाग लगाना है, करना है। हम इसमें सिक्स क्वेश्चन करते हैं, है ना, सिक्स का क्वेश्चन करते हैं, तो फिर आप और अच्छे से समझ पाएंगे, बाकी सारे इजी है, आप लोग कर लेंगे। चलिए इसमें हम लेते हैं क्वेश्चन, ले लेते हैं एट। आपको पहले तो सेट समूचे दे रखे हैं, ए दे रखा है थ्री फाइव सेवन नाइन इलेवन, बी दे रखा है आपको सेवन नाइन इलेवन थर्टीन, सी दे रखा है आपको इलेवन थर्टीन फिफ्टीन, और निकालना क्या है आपको, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी यूनियन डी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। निकालना है आपको ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, पहले आप निकालेंगे बी यूनियन डी, बी यूनियन डी, बी और डी के यूनियन, डी का है डी, फिफ्टीन एंड सेवनटीन, बी के सारे लिख लो सेवन नाइन इलेवन थर्टीन, डी के वो लिखो जो इसे बी में नहीं आए, फिफ्टीन और सेवनटीन। अब इसका ए के साथ इंटरसेक्शन लेना, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, इसमें और इसमें जो कॉमन है, इंटर का मतलब कॉमन ही होता है, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, ठीक है। तो कॉमन कौन से हैं, सेवन सेवन है, नाइन नाइन भी है, इलेवन इलेवन भी है, तो ये हो गया सेवन नाइन इलेवन, इधर भी ब्रैकेट से क्लोज कर दीजिए मंझले ब्रैकेट से, उधर भी मंझले ब्रैकेट से क्लोज कर दीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन कर सकते हैं आप, देखते हैं और भी क्वेश्चन है क्या।